अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 110 मेन 110 के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज के लेसन में प्रोजेक्ट नंबर 6 में पार्ट बी करेंगे। और प्रीवियस लेसन में हमने पार्ट ए किया था और उसमें हमने कुछ सर्किट डिजाइन किया था, आज हम उसका दूसरा हिस्सा करेंगे और इसमें जो है तो नॉन ऑटोमेटिकली स्टार्टर सर्किट डायग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो प्रीवियस लेसन में हमने इसका ये वाला पार्ट बनाया था, ये सारा पार्ट बनाया था और प्लस यहाँ से मल्टीपल बसेस भी हमने ड्रॉ कर ली थी। आज के लेसन में और ये चीजें जो ड्रॉ करनी है इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो है इसको मैं यहां से डिलीट करता हूँ फिलहाल, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ इनको भी डिलीट करता हूँ, ये पॉइंट है। लाइन ड्रॉ करता हूँ एल इंटर और यहां तक मैं इसको क्या करता हूँ, इस वायर को एक्सटेंड करता हूँ। सर्च करें यहाँ पे जी वायर फ्लिप एंड एक्सटेंड, कहाँ से तो स्ट्रेच है और यहाँ पे आप स्ट्रेच वायर स्ट्रेच पे क्लिक करें, इस वायर को स्ट्रेच करना है। दोबारा देखते हैं या ई एक्स करता हूँ मैं, सेलेक्ट करता हूँ इसको राइट क्लिक, ओके स्ट्रेच भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ये भी काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम स्ट्रेच नहीं होता तो आप ये काम कर सकते हैं। ओके ये काम किया करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे तीन मूविंग कॉयल बनानी है और उससे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि इसके बिल्कुल नीचे बल्कि यहाँ पे इस एरिया में मैं एक इक्विपमेंट ड्रॉ करता हूँ या बल्कि इससे नीचे एक मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ और एल एंटर करता हूँ यहाँ पे। थोड़े से फासले पे और यहाँ पे मैं ये वाली ऑयल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं ओवरलोड ले रहा हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ओवरलोड जो है ये आप यहाँ इस पॉइंट में लेता हूँ। ओके ये लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ओवर लिख दिया ओवरलोड के लिए, सही लाइन ले एल एंटर अब ये जो सिंबल है ये वाला, ये मैंने सर्च किया है मुझे कहीं नहीं मिला ये वाला सिंबल, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आर्क लेनी है आपने इसके मिड पॉइंट से, यहां से एल एंटर करें इसके बीच में से एल एंटर फिर एल एंटर करें इसके मिड पॉइंट से। ओके अगर आपके पास ये मिड पॉइंट ये पॉइंट नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके सब कुछ सिलेक्ट ऑल करने तो आपके सारे पॉइंट आ जाएंगे। ओके अब आर्क आपने
ए एंटर, बल्कि आप इसके मिड पॉइंट से भी अपनी आर्क लेंगे, एल एंटर, एल एंटर, इसके मिड पॉइंट से आप एक लाइन लें, इसको डिलीट कर दें आप, बल्कि मिड पॉइंट में इसको भी रहने दें। अब आर्क लें आप ए एंटर, इसको मूव करें, कॉपी करें, बल्कि ओके तो ओके यहाँ पे कंप्लीट हो गया, देखें बन गए। अब आपने क्या करना है, किसी को मूव करना है, यहां से कॉपी करना है और मूव करना है, इसको सिलेक्ट करें, यहां से इसको भी सिलेक्ट करें, यहां से इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें सीपी, एंटर, ओके। अब यहां से ये सेकंड लाइन पे सिलेक्ट करें, इसको और इसको कॉपी सी पी एंटर, सेकंड लाइन पे इसको सेकंड लाइन पे एडजस्ट कर लें, ये थर्ड पे इसको थर्ड पे एडजस्ट कर लें, ओके। अब आपने क्या करना है, और बाकी जितना भी हिस्सा है इसको ट्रिम कर ली, टी आर डबल एंटर करें और इसको ट्रिम किया, और यहां से आगे इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, इसी तरह यहां से इसको डिलीट कर दें और इसको, इन दोनों को डिलीट कर दें और बाकी से को ट्रिम कर दें, ओके। अब यहां से इसको कॉपी करें, कॉपी कर लें और ओएल, ओके, इसको भी कॉपी करें, ओके, यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब आपने क्या करना है कि लाइन लेनी है, यहां से एल एंटर, और यहां पे आप एक और लाइन ले एल एंटर और ट्रिम कर दें बाकी लाइनों को, ओके। अब इसके नीचे आपने क्या करना है जी, ये रिले जो, इनको आपने कॉपी करना है सीआर टू सीआर टू सीआर टू, तो ये यहां पे आप बस कॉपी रखी हुई है यहां पे, और इसको आपने यहां से राइट क्लिक करना है, कॉपी, सीआर टू,
कॉपी CR2 कॉपी CR2 राइट क्लिक करें एंड राइट क्लिक करें यहाँ पे और एट्रीब्यूट्स को हाइड कर दें। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ और यहाँ से आपने इसको क्या करना है, ट्रिम कर देना या डिलीट कर दें इसको। अब यहाँ पे आपने यहाँ से अपने क्लाइंट लेनी है वायर, इनको ट्रिम कर दें TR डबल इंटर। यहां से एक वायर लेनी है आपने, यहाँ से फिर एक वायर लेनी है, यहाँ से लेनी है ये ग्राउंड के लिए, क्या आप ये वायर यहाँ से सर्किट टर्मिनल ग्राउंड हो रहे हैं। और यहाँ पे ग्राउंड का सिंबल लगाना है, सर्च करें सिंबल ग्राउंड, ग्राउंड का सिंबल मिल गया और उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करें यहाँ से इसको, एम कॉपी कंपोनेंट कॉपी कंपोनेंट ऐसे यहां से भी अपने करने ये काम। T1, T2, T3 T1 T2 T3 राइट क्लिक यहाँ पे करें एट्रीब्यूट हाइड एट्रीब्यूट। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने आपने, तो उसके लिए आप एल एंटर करें यहाँ से।
और यहाँ पे 6 है और साइज यहाँ पे 3 है, साइज 6 कर दें, 6 कर दें। और यहाँ से अपने रिले कॉइल है और 3 फेज मोटर लें आप यहाँ से। मोटर लिखने आपने, तो मैंने वहां पे वाइट जो लिखा हुआ है, वाइट का मतलब है कि मैं यहाँ पे भी वही लिख देता हूँ, वो मैंने टेक्स्ट राइट करके इसके अंदर एडजस्ट किया था। तो आप यहाँ पे हाइड करता हूँ इसको, और टेक्स्ट के लिए टी एंटर करता हूँ। मोटर मोटर के टर्मिनल दें एल एंटर, और इसको आप यहां से मिरर कर लें एम आई एंटर से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और यहां से इस कॉर्नर में क्या कर दें मिरर कर दें। ओके, तो मोटर भी लग गई है और ये भी सारी चीज़ें लग गई हैं, ये भी सारा हो गया काम, ग्राउंड भी हो गया, तकरीबन हमारा कंप्लीट है सर्किट। अब हमने क्या करना है कि दो काम करने, एक तो ये कि यहाँ से एक वायर लेते हैं, या पहले एंटर कर लें फर्स्ट टर्मिनल से यहाँ पे जोड़ दें, फिर प्रेस करें और दूसरा जो है आपका यहाँ से आपने लेना है और इसको यहाँ से आके अपने सेकंड टर्मिनल दे दें, एल एंटर। यहाँ तक और अब वायर लें यहाँ से और इसको सेकंड टर्मिनल से छोड़ दें। वायर का फंक्शन ये होता है, इस वजह से मैं इसको वायर दिया। कॉपी करें यहाँ से इसको, ओके। तो ये यहाँ तक जी कंप्लीट हो गया तकरीबन सारा। अब हमने लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री देनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो लाइन के लिए आप यहां से वायर नंबर है क्लिक करें, इसको वायर नंबर पे क्लिक करें और वन से स्टार्ट करें, पिक इंडिविजुअल वायर्स, वन देखिए आ गए, टू ये टू इसको इसने मेंशन किया, लेकिन कोई बात नहीं हम मूव कर लेंगे इसको। तो इसको आप मूव करें एम एंटर, एफ8 प्रेस करता हूँ, तीनों वायर को इनलाइन करता हूँ, इनलाइन आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसको करें जी एडिट, इसको आप इनलाइन करें, सॉरी इनलाइन ही अलाइन करें आप, और लाइन में आप इसके इसको इसके अलाइन कर दें, ओके। आगे लेके जाते हैं, तो आगे ले जाएं, इसको मूव करते हैं, इसके अलाइन करने तो आप क्या करें यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप अलाइन का अलाइन यूज करें और सॉरी
रहन आगे। और अब इसको आपने इसका साइज देखें, थोड़ा बड़ा है यहाँ पे L1 L2 L3, तो नाम भी मैंने गलत दिए, चले L1 L2 L3 है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और उसका नाम चेंज कर लें। L1 वर्सेस तो वार्ड नंबर L1 L2 L3 मूव करता हूँ इन्वेंटर। मूव करते हैं उसको भी, लाइन करता हूँ। नॉर्मल आप लिख भी सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे जाएं जरा, तो यहाँ पे आप देखें तो कॉपी वायर नंबर है और कॉपी वायर नंबर इन लाइन है और एडजस्ट वायर नंबर। अब कॉपी वायर नंबर इन लाइन पे क्लिक करता हूँ, L1 देखें, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया कंट्रोल सर। चले सही है, यहाँ पे अपने लिखना है तो यहाँ पे लिखने कॉपी वायर नंबर करने का यही तरीका है, लेकिन ये बड़ा हो जाता है यहाँ से बाहर निकल आते हैं, तो आप यहाँ से वायर नंबर ही लिख सकते हैं। तो L1 L2 L3 वायर नंबर भी आ गया और सारा हमारे पास कंप्लीट अपनी प्रोजेक्ट डिजाइन कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये लाइन कलर डिफरेंट चेंज है, ये भी चेंज है, तो इसीलिए आप होम में जाएं, सिलेक्ट करें लाइन को, होम में जाएं और यहाँ से लेयर में जाके इसका कलर ये चेंज कर दें। ओके, ये कलर भी चेंज है। ओके, तो यहाँ से कलर भी चेंज हो गया। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।